इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार भरूच गुजरात। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासन। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य ने मंगलाचरण के रूप में ही एक कारिका दी है, जिसका पाठ सभी लोग करते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र भी है और भक्तांबर स्तोत्र भी है। भक्तांबर स्तोत्र पूरे जैन समाज में उसका पाठ सुनने को मिलता है। बहुत वह स्तोत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। उसमें प्रथम जो श्लोक आया है उसको प्रासंगिकता देते हुए आपके सामने कुछ विचार रखा जा रहा है कि आदिनाथ भगवान की वंदना की जा रही है। शरीर की वंदना नहीं होती, वंदना किसकी होती है? व्यक्ति की वंदना नहीं होती, व्यक्तित्व की वंदना होती है। और वह व्यक्तित्व जन्म लेने के उपरांत तत्काल वह व्यक्तित्व देखने में नहीं आता, क्योंकि शरीर की विशेषता को लेकर के यदि वंदना करते हैं तो जब प्रभु दीक्षित होने के पूर्व में जहाँ पर वह रहते थे महल अधिक में, वहाँ पर उनकी वंदना और पूजा कोई नहीं करता है। कल्याणक के रूप में महोत्सव मनाना अलग वस्तु है, किंतु पूजिता की दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से उनको देखना अलग वस्तु है। इसलिए उन्होंने पंक्ति ये दी है कि भक्तामर प्रणत मौल्य मणिप्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। जनपाद युगम सम्यक प्रणम्य, जिनेन्द्र भगवान के चरणों को मैं समीचीन रूप से नमस्कार करता हूँ, फिर बाद में स्तुति करता हूँ। वे जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल कैसे हैं, उनकी विशेषता को लेकर के दो तीन विशेषण दिए हैं। वो ये है कि भक्त के रूप में अमरगण सामने आ रहे हैं और जिनके मस्तिष्क में मुकुट है और उनमें विभिन्न प्रकार की मणियाँ लगी हुई हैं, उनकी जो प्रभा है उस प्रभा को भी और प्रकाशित करने वाले, उद्योत प्रदान करने वाले उनके चरण युगल हैं। मतलब सौदर्मिंद्र हो, कोई भी इंद्र हो, देव हो, उनके मुकुटों की जो मणियाँ हैं जो झिलझिल झिलझिल कर रही हैं, उनकी प्रभा चारों ओर फैल रही है, किंतु उस प्रभा को भी उद्योतित करने वाले हैं भगवान आपके चरण युगल हैं। और
दलित पाप तमो वितानम कहा, हे भगवान आपके चरण युगल और किस रूप में हैं। चरण का अर्थ मात्र चरण नहीं लेना, चरण का अर्थ आचरण लिया जाता है, क्योंकि दीक्षित होने के पूर्व में भी उनके चरण युगल थे, किंतु उनकी स्तुति कोई नहीं कर रहा है, वह स्तुत्य नहीं है। आराधना के योग्य कब बनते हैं ये बताया जा रहा है, वे इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं, कोई अपवाद भी नहीं है कि गृहस्थ अवस्था में पूज्यता को प्राप्त हो जाए। आराध्य कौन होते हैं? पंच परमेष्टि आराध्य होते हैं, और पंच नमस्कार मंत्र में भी आप लोग नामस्मरण करते हैं पंच परमेष्टि का, नमो अरहंतानम, अरहंत की मैं वंदना करता हूँ। वे अरहंत कैसे हैं इसका वर्णन और आगे स्तुति करने वाले स्तोत्रकार करते हैं। तो दलित पाप तमो वितानम कहा है, जिनका आचरण पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है उसको दलित अर्थात नष्ट कर दिया है, ऐसे उनके चरण युगल हैं। उनके चरणों में जो पूजता आई है वह आचरण के कारण आई है, बिना आचरण के वे उनके चरण पूजता को प्राप्त नहीं होते। अर्घ आप चढ़ाते हैं, कब चढ़ाते हैं आप है? संयम के अभाव में भी यदि अर्घ चढ़ने लग जाए तो आप लोग भी एक दूसरे के लिए परस्पर में अर्घ चढ़ाते रहो, ऐसा होता नहीं। अनर्घ पद की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए अर्घ चढ़ाया जा रहा है, और किन के चरणों में जो पूज्य बन चुके हैं उनके लिए चढ़ाया जाता है, उम्मीदवार जो हैं उनके लिए नहीं। हाँ, क्योंकि उम्मीदवार तो पूरी सभा है। हाँ, बिल्कुल इसमें क्या शक है, सारे सारे भव्य आत्माएं बैठी हैं और हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि गौरव के दृष्टि से कहा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सबको मोक्ष प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता जीव में होती है, और उसकी अभिव्यक्ति के लिए ही ये सारा का सारा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए दलित पाप तमो वितानम कहा, पाप के पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, और ये बिना आचरण, बिना संयम, बिना साधना के संभव ही नहीं है। और वृषभनाथ भगवान को साधना करते करते कितने साल व्यतीत हुए आपको ज्ञात होगा, 1000 साल तक उन्होंने तप किया है, फिर कहीं जा करके केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है। सोचो, विचार करो, आप लोग भी आराधना भगवान की कर रहे हैं और वो भी भगवान की ही आराधना कर रहे हैं। दिगंबरत को धारण करने के उपरांत वो आराधना जो करते हैं वह अपने आप में अनूठी आराधना मानी जाती है, और किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा उनके भीतर नहीं है। निरंतर आत्म ध्यान में ही वो लीन रहते हैं। महाराज, फिर हम लोगों की ओर उनकी दृष्टि कब जाएगी है? सुनो, उनकी दृष्टि विश्व कल्याण की ओर ही रही है, क्योंकि विश्व कल्याण के जो उत्कृष्ट पवित्र जो भाव जब जागृत होते हैं तभी कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हुआ करता है। षोडश कारण भावना के, पवित्र भावना के माध्यम से विश्व कल्याण का भाव जागृत होता है, और विश्व कल्याण करने का अधिकारी वही होता है जिनका
व्यक्तित्व असाधारण व्यक्तित्व होता है। तीर्थंकर के सामने और कोई व्यक्तित्व देखने में नहीं आता, किंतु तीर्थंकर के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाले, बताने वाले गुरु हुआ करते हैं, ये ध्यान रखें। हम भगवान के स्वरूप को कहाँ समझ पाते हैं? नमोकार मंत्र का पाठ करना अलग वस्तु, पाठ करना छोड़ना नहीं, किंतु नमोकार मंत्र की जो महिमा है उसको बताने वाले, उसकी गहराई को व्यक्त करने वाले गुरु हुआ करते हैं, और गुरु के माध्यम से ही भगवान तक हम पहुंच पाते हैं। इसीलिए 1000 साल बहुत होते हैं। आप 10 मिनट निराकुल भाव के साथ प्रभु के चरणों में पूजन अर्चन नहीं कर पाते, करते हैं है? फिर क्या करते हैं आप है? है? सुनो, निराकुल भाव जो जागृत होता है वो बहुत दुर्लभतम वस्तु है, क्योंकि योग प्रदर्शन का आया है। अन्यता न लें, सारे सारे लौकिक जो कार्य हो रहे हैं वो तो प्रदर्शन को लेकर के हो ही रहे हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में भी जो संसाधन आए हैं आपके हाथों में, उसके माध्यम से प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है, और प्रदर्शन के कारण ही दर्शन का अभाव हो जाता है। प्रभु का दर्शन करना चाहो, प्रभु को अपने हृदय में बिठालना चाहो और बिल्कुल तन्मयता के साथ उनकी आराधना करना चाहो, भले ही 10 मिनट करो, किंतु निराकुल भाव के साथ नहीं करोगे, निरपेक्ष भाव के साथ नहीं करोगे, तो परिणामों में वह पवित्रता संभव नहीं है। और विश्व कल्याण की भावना उनकी रही है, और विश्व कल्याण कब होता है? जब आद हिदम का दव्वम कुंद कुंद स्वामी का कहना है। जो अपने आत्मा का हित करने के लिए निरंतर कटिबद्ध होता है, तत्पर होता है, वही व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता है। कर सकता है इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि कल्याण करने की योग्यता जिसके अंदर है उसी का कल्याण भगवान करते हैं, ऐसा व्यवहार में कहने में आता है। भगवान कल्याण नहीं करते हैं ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, किंतु भगवान ही कल्याण करते हैं ऐसा कहेंगे तो अभी तक हम धरती पर क्यों हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न क्वेश्चन मार्क सामने आ जाता है, क्योंकि अतीत में अनंत जब तीर्थंकर इसी धरती से मुक्त हो चुके हैं, उस समय भी हम लोग थे क्या? नहीं, बिल्कुल थे। क्या कर रहे थे? फोटो निकाल रहे थे एक दूसरे के। एक दूसरे के फोटो को निकालने में लगे हैं, किंतु वह कैमरा में जो फोज आ रहा है वह आपका केवल शारीरिक एकमात्र तस्वीर आ रहा, चित्र आ रहा, केवल मॉडल आ रहा, केवल आकृति आ रही, और उसके पीछे दुनिया दौड़ रही है। भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं, और वहां पर भी एक दूसरा व्यक्ति जो है ना कैमरे से भगवान का चित्र तो लेना फिर भी ठीक है, भगवान किसे बढ़कर के आपका चित्र है क्या? है? बुरा तो नहीं लगता? नहीं लगेगा? कोई बात नहीं। तो क्यों लेते हैं, किसका चित्र लेते हैं आप? उसमें आपको खुशी आनंद का अनुभव होता है। शरीर को देख करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं आप, जबकि शरीर के प्रति ममत्व भाव का पूर्णतः जब त्याग हो जाता है तब आत्मा का दर्शन होता है। इस प्रकार जिनवारी कह रहे हैं, गुरुओं का संकेत है। कई बार हमने अपने मुख से आचार्य महाराज के प्रवचन सुने कि उनका ध्यान किधर जा रहा है। देखो, आप लोग भी वंदना करते हैं, किंतु आचार्य महाराज का ये कहना बार बार रहा है
कि वंदना करना सीखो। सुन रहे हैं आप? वंदना करना सीखो। और श्रमणों के श्रमणों के लिए संकेत करते हुए उन्होंने कहा, मुझे विस्मय सा लगा, इसलिए क्योंकि श्रमण, हम लोग श्रमण बन गए हैं और फिर भी हम लोगों के लिए संकेत मिल रहा है कि वंदना करना सीखो। तो हम हाथ नहीं जोड़ रहे हैं क्या हम प्रभु के सामने? हाथ तो जोड़ रहे हैं किंतु मन भी जुड़ना चाहिए। हाँ, हाथ भी जुड़ना चाहिए और साथ साथ मन भी जुड़ना चाहिए, समर्पण भाव के साथ भगवान की, प्रभु की आराधना होती है, उसके माध्यम से ही कर्मों का क्षय देखने में आता है। तो हम और आप भी आराधना कर रहे हैं, स्तुति पूजन आदि कर रहे हैं, और वृषभनाथ भगवान भी 1000 साल उनको लग गया ठीक से वंदना करने के लिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में जो कार्य संपादित होता है उस कार्य को संपादित करने के लिए उनके लिए भी 1000 साल लग गया, ध्यान रखो। इसलिए प्रभु को हृदय में बिठाना हंसी खेल नहीं है, ये खिलौना नहीं है। आप लोग पूजन अर्चन करते हैं उसके मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, किंतु वर्तमान में जो प्रदर्शन का जो दृश्य देखने में आता है उसको कम से कम कम करने का प्रयास करो। है महाराज, इसके बिना हमारी भूमिका में कुछ देखने में नहीं आता, गलत बात, ऐसा नहीं। हाँ, प्रदर्शन की ओर दृष्टि जाती है तो दर्शन गौण हो जाता है। कैमरे में क्या आता है मुझे बताओ? केवल आपकी आकृति आती है, आपका शक्ल आ जाता है, किंतु उसमें अक्ल नहीं आता है। उस फोटो में अक्ल नहीं आता है, शक्ल आता है। और शक्ल और सकल इनमें भी बहुत अंतर है। सकल अर्थात परिपूर्ण हुआ करता है, और शक्ल का अर्थ टुकड़ा भी होता है। हाँ, शक्ल नहीं, सकल, सकल अर्थात परिपूर्ण, समस्त जिसको बोलते हैं। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलत पदार्थ मालिका यत्र ज्योतिषी, जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में पूरा का पूरा विश्व ही अवतरित हो रहा है उस ज्ञान में। और आपके ज्ञान में क्या अवतरित हो रहा है? केवल फोटो अवतरित हो रहा है। महाराज, आप बिल्कुल पूरी तरह से खोल रहे हैं आप, हाँ, पोल पट्टी, आप ही तो कह रहे हैं पोल, पोल है तो पोल पट्टी तो रहेगी, मतलब भीतर जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। गुरुदेव ने एक प्रसंग में ये भी कहा था कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने से मुक्ति मिलती है, किंतु ये ध्यान रखें, इसको और गौर से सुनने का, अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन लेने के उपरांत भी प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के यदि मान लो आपने आलंबन लिया है तो कार्य संपादित होता है। इसी को बोलते हैं वंदना। वंदना करने के पीछे यह उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य किधर जा रहा है। सुबह उठते ही आप दर्शन करते हैं प्रभु का, किंतु बाद में करते हैं। पहले किसका दर्शन करते हैं आप? है? सुनो, मोबाइल नहीं, वो बाद में। पहले आप घर से बाहर निकलते हैं, उसके पहले अपने मुख का दर्शन करते हैं आईने में। है? नहीं करते? सुनो, अपने मुख का दर्शन आप लोग करते हैं, और उसमें यदि कोई कमी है
तो उसको निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरी तरह से उस मुख को और पूरे शरीर को स्नानादि से निवृत्त हो करके फिर क्या करते हैं? सही सही बताओ। सुनो, मंदिर तो आते हैं किंतु पूरी तरह से अलंकृत करके आते हैं। हाँ, स्नो सुनो, स्नो पाउडर, स्नो और सुनो दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। आप ध्यान से सुनो, ये सब कुछ होता है क्या नहीं, जो हो रहा है वही कहने में आता है, जो नहीं होता वह कहने में नहीं आता। इसलिए इस विषय से आबाल वृद्ध परिचित हैं, अपने आपके शरीर को आप अलंकृत करते हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं के माध्यम से इसको सुगंधित करने का प्रयास करते हैं, किंतु आपका यह प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि शरीर का स्वरूप आपको ज्ञात नहीं है। हाँ, कैमरे के माध्यम से शरीर की आकृति आ रही है किंतु कैमरे के माध्यम से भीतर की वस्तु पकड़ में नहीं आती। उसके लिए कौन चाहिए? एक्सरा है, सोनोग्राफी है, MRI, ये सब क्या है? ये इसके माध्यम से भीतर जो तत्व है, सात तत्व नहीं, सप्त धातु से निर्मित ये शरीर है और भीतर का सारा मटेरियल वह पकड़ में आता है तो घृणा आती है। मल, इस शरीर का मल जब बाहर आता है उस समय देखने की इच्छा नहीं होती, घृणा उत्पन्न होती है और उसी शरीर को हम अलंकृत करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? हमारी बुद्धि ठिकाने पर है क्या? नहीं है। इसलिए वंदना करना सीखो जब गुरुदेव ने कहा तो मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव भी इसलिए हुआ और खेद का भी अनुभव हुआ। देखो, हम लोगों ने अभी तक वस्तुतः वंदना प्रभु की नहीं है। गुरु की और प्रभु की वंदना करते समय केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान आपके चरणों में आने का हमारा और कोई भी प्रयोजन, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आप जैसे बनने के लिए आपके चरणों में। भावना ऐसे होती है, इसी भूमि भूमिका में ही जो ना ये विषय पूर्ण हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि दलित पाप तमो वितानम, उन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के लिए उनके लिए 1000 साल लग गया। ये सोचो विचार, तब कहीं जा करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जान लिया। किंतु विश्व को जानने के उपरांत भी विभिन्न प्रकार के वस्तु उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहे हैं किंतु उनका उपयोग विश्व की ओर नहीं, केवल अपने शुद्ध परमात्म तत्व में ही उनका उपयोग लीन हो चुका है। हाँ, निजानंद रसलीन कहा है, धनानंद रसलीन नहीं है। धन की बात करते हैं आप लोग, धर्म की बात करो है। धर्म की बात करना चाहो तो धन की बारिश होनी चाहिए, तब धर्म की बारिश हो सकती है। हाँ, तालियां बज रही हैं, बोली होती है तो बहुत समय लगाते हैं, प्रवचन से भी ज्यादा समय उसी में निकल आता है। पर 15 मिनट में प्रवचन और घंटे 2 घंटे लग जाते हैं बोलियां होने में। सोचो विचार करो, तब कहीं जा करके सौधर्मेंद्र बन पाता है।
होता है क्या? नहीं, क्योंकि मोह छूटता नहीं। हाँ, इसके कारण ही ऐसा होता है। इसलिए भगवान के शरीर की विशेषता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि भगवान का जो शरीर था वह जन्मतः उनका दिव्य शरीर था, किंतु उसमें और जो दिव्यता आई है वह संयम के बल से आई है। इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज ने ये शुरुआत में ये बात कही है। और युवानो भोजले पतताम जनानाम आलंबनम, ऐसा कहा। युग के आदि में जिनके चरण अवलंबनी रहे हैं, किनके लिए? पतताम जनानाम, जो जीव डूब रहा है किसमें? भव रूपी समुद्र में गिर रहा है, गोता खा रहा है, उसके लिए जिनेंद्र भगवान के चरण अवलंबनी है, ऐसा कहा है। सोचो, विचार करो, घर जाने का भाव होता है महाराज? अभी तो नहीं होता, लेकिन जब प्रवचन समाप्त हो जाता है, जिनवाणी स्तुति हो जाती है, तो घर ही दिखता है, है? दिखता है क्या? नहीं। इसीलिए कहा कि मोह छूटता नहीं। मोह को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसके ऊपर कुटारा घात करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि बहुत दुर्लभ वस्तु है। धन तो आपको सुलभता से प्राप्त हो सकता है, कई बार प्राप्त हुआ भी है, किंतु धर्म को उपलब्ध करना खेल नहीं है बंधु। इसलिए आप लोगों को यह जो मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी सार्थकता, इसका सदुपयोग करने में ही इसकी सार्थकता है। देव गुरु शास्त्र के शरण लेकर के आप लोगों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। केवल धन एकमात्र जीवन यापन करने के लिए एक साधन है, और गुरुदेव का भी यही कहना है, जितना आवश्यक है उतना ही धन का अर्जन करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि केवल स्वयं का और परिवार का जीवन यापन हो, इस उद्देश्य को लेकर के ही धन का आलंबन लिया जाता है, और जीवन यापन जो किया जाता है वह धर्म के लिए किया जाता है। धन के लिए जीवन यापन नहीं, धर्म के लिए किया जाता है, क्योंकि धर्म के बिना सब असार देखने में आता है संसार में। इसलिए भवजले पतताम जनानाम आलंबनम जिनपाद युगम, ऐसा मानतुम आचार्य कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल आज से, अर्थात आप नहीं कर रहे ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु वर्तमान में जो प्रदर्शन का योग सामने आया है उसके कारण ही निराकुलता नहीं आ पा रही। भगवान के सामने भी यदि आकुलता नहीं मिटेगी तो मकान दुकान में आकुलता मिटेगी क्या? बोलो, विचार करो, सोचो। भगवान के सामने तो भगवान के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, और भगवान का स्वरूप जो है वही स्वरूप प्रत्येक जीव का स्वरूप वस्तुतः स्वभाव की दृष्टि से है, और उस स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए ये सारा सारा उपक्रम है। प्रत्येक जीव के भीतर वह योग्यता छुपी हुई है, उसको उद्घाटित करने के लिए भगवान आपके चरणों में मैं आया हूँ, यही एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए। तब कहीं जाकर के मैं शाम को कल हम आ गए और प्रभु का दर्शन कर लिए, कैसा लगता था? अद्भुत है भगवान की प्रतिमा, बिंब। हाँ, इसलिए भगवान के बिंब का दर्शन करने के उपरांत अपने मुख का दर्शन करने का भाव कतई नहीं होना चाहिए, न होता है। हाँ, उनके मुख के सामने और कौन सा मुख है?
प्रमुख तो वो ही है, अपन तो गौण हैं। हम किसको सजा रहे हैं, किसको डेकोरेट कर रहे हैं? सप्त धातु में ये शरीर है, सुगंधित पदार्थों के माध्यम से इस शरीर को आप लिप्त कर दो, इसके उपरांत एक क्षण भर में वो सारे सारे सुगंधित पदार्थ दुर्गंधित हो जाते हैं इसके स्पर्श से। इतना यह घिनावना शरीर है, इसके इसके भीतर जो आत्म तत्व है उसको पृथक करने के लिए सारा सारा आयाम है। इसलिए आत्म तत्व कभी भी वह पकड़ में नहीं आता, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता, मात्र एक बुद्धि का ही विषय बनता है। इसलिए हम नेत्रों के माध्यम से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए आत्मदर्शन मुख्य होना चाहिए, और आत्मदर्शन की ओर जिसकी दृष्टि जाती है वही आत्मा परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, और 1000 साल तक उन्होंने साधना की उसके उपरांत केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्ञान तो प्रत्येक जीव में विद्यमान है, किंतु वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होने के उपरांत वह क्षायिक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो सकता है साधना के बल से। इसलिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सारा सारा आयाम है, और आप लोगों ने कितना श्रम करके सब कुछ मन वचन काय और धन इत्यादि लगा करके यह जिनालय का निर्माण किया है, और जिन बिंब स्थापित किया है, और जिन बिंब जब बना उसके उपरांत भी वह कब पूज्य हो गया वह जिन बिंब है, पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से। पांच कल्याणक जब हुए प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप, जब गुणों का आरोप उसमें हुआ, तब कहीं जाकर के उसमें पूज्यता आई है, और उसने भी गुरुदेव के कर कमलों से भगवान प्रतिष्ठित हुए, और हम और आप निरंतर भगवान की आराधना कर रहे हैं। इसी प्रकार अपने शेष जीवन को भी पवित्र परिणाम के साथ देव गुरु शास्त्र की आराधना करें, और अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा भी वह दिव्यतम हो सकती है, केवल ज्ञान से विभूषित हो सकती है, और अनंत काल के लिए लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो सकते हैं, और अनंत काल के लिए स्वाधीन सुख का आनंद और उसका संवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार पवित्र भाव प्रत्येक जीव के भीतर होना चाहिए, और भगवान से आप लोगों के तरफ से भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, जिस प्रकार आपने अपने शुद्ध परमात्म तत्व को शरीर से पृथक करके अनंत काल के लिए अनंत सुख का स्वाधीन सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी वह घड़ी आए और वह कार्य संपादित हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमस्तुतेभ्यः, ओम नमस्तुतेभ्यः, नमस्त्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातस्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की। परम पूज्य देश व्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज की। अध्यात्म के प्रणेता आचार्य कुंद कुंद हुए हैं, जिन्होंने
अध्यात्म ग्रंथों की रचना समय सार प्रवचन सार पंचास्तिकाए नियम सार आदि ग्रंथों की रचना की है। जिन ग्रंथों पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं की उसमें आचार्य अमृतसेन सूरी हुए हैं और उन्होंने इन सभी ग्रंथों पर टीकाएं की और उनका एक स्वतंत्र ग्रंथ भी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, निशंकित आदि और अंतिम व अंग है प्रभावना अंग। उन्होंने एकारिका के माध्यम से स्पष्ट किया है आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मा। जिनेन्द्र भगवान की शासन की प्रभावना उसको प्रकाशित करना ये जैन धर्म की प्रभावना मानी जाती है। श्रवण लोग अपनी साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं तो श्रावक लोग कम नहीं हैं, वो भी जिनेन्द्र भगवान की शासन की प्रभावना करते हैं। और गुरुदेव ने आपको ये विदित है 50-55 साल से उन्होंने आत्म साधना करते हुए विश्व के सामने जिनेन्द्र भगवान के शासन को प्रकाशित किया है और वह प्रभावना निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा कि आगम में उल्लेख मिलता है जैन धर्म की यह प्रभावना वर्तमान में पंचम काल है और उस पंचम काल के अंत तक यह प्रभावना निरंतर होती रहेगी। आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा को भी प्रकाश में लाया जाता है किसके माध्यम से? रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय रूपी तेज पुंज के माध्यम से आत्मा प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि वह आत्मतत्व मोह से प्रभावित होने के कारण वह अंधकार में ही अभी तक रहा, उसको प्रकाश में लाने का नाम प्रभावना है। और ऐसे पूर्वाचार हुए हैं कुंद कुंद आदि और उसी परंपरा में आचार्य गुरुदेव रहे हैं, अभी भी वो विद्यमान है। ये भावों का खेल है। साक्षात जिस प्रकार प्रभु विद्यमान नहीं है फिर भी प्रभु की आराधना भावों के माध्यम से निर्मल परिणामों के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है, उसी प्रकार पवित्र परिणाम के माध्यम से प्रभु को और गुरु को जिसने हृदय में स्थान दिया है वह बाहर कहाँ है? वो बाहर है ही नहीं, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा इन दोनों का जो संबंध है वह संबंध तादात्म्य को लेकर के है। अग्नि और अग्नि की उष्णता, अग्नि से अग्नि की उष्णता पृथक हो सकती है क्या? जल से जल की शीतलता पृथक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसी प्रकार धर्म से धर्मात्मा अथवा धर्मात्मा से धर्म कभी भी पृथक नहीं हो सकता। और यह धर्म रत्नत्रय वीतराग धर्म
जो वर्तमान में विद्यमान है उस धर्म को धारण करने वाले गुरु वो दूर कैसे हो सकते। प्रतिपल गुरु की उपासना हम करते हैं तो महसूस होता है, अभाव महसूस नहीं होता। भावों का तारतम्य, और गुरुदेव ने कुंद कुंद को पढ़ा और उनकी वाणी को आत्मसात करते हुए पूरे श्रवण समुदाय के लिए संबोधित किया। हम कहां थे और कहां पर हमें बिठाया सबको ज्ञात है। ये सारा सारा पुरुषार्थ ये उनकी ये साधना उसके माध्यम से भी उन्हीं के इस साधना और पुरुषार्थ के माध्यम से हम यहां तक आए हैं। इसलिए उन्होंने यही कहा, रत्नत्रय के माध्यम से श्रवण लोग प्रभावना करते हैं तो श्रावक लोग भी प्रभावना करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म प्रभावनीय, ऐसा कहा। दान की बात चल रही है, सुनो, भूख कभी मिटती नहीं और न मिटना चाहिए। गुरुदेव का ये कहना है प्यास को कभी भी पूर्णतः बुझाना नहीं चाहिए और जठराग्नि को हमेशा उद्दीप्त रखना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि यदि मंद होगी तो वह डाइजेशन खराब होता है। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए भूख बनी रहनी चाहिए। उसी प्रकार आप लोग की भावना बहुत अच्छी भावना है और भावना के माध्यम से ही प्रभावना भी होती है, और गुरुदेव के सानिध्य में यह पंच कल्याण गजर महोत्सव संपन्न हुआ और उसमें जो आप लोगों ने आनंद का अनुभव किया, मैं उस समय उपस्थित नहीं था लेकिन आप लोगों से कम आनंद का अनुभव नहीं हुआ। आनंद का अनुभव लेना है तो कहीं भी रहें वह धर्म अपने हृदय के साथ संबंध रखने वाला है। क्षेत्र की दूरी अपनी अपना उसका अस्तित्व अलग है, और दूरी बहुत भी दूरी हो सकती है किंतु भावों की दूरी नहीं हुआ करती है। भाव आपके हैं, परिणाम आपके हैं, और उसी प्रकार आप लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करके इस बृहद कार्य को संपन्न किया है, और उसमें जो भी चंचला लक्ष्मी का जो मोह था अब वो रहा नहीं था, वो एट पास्ट हो गया। प्रेजेंट में मोह नहीं है, और यदि मोह है तो रत्नत्रय के प्रति, देव गुरु शास्त्र के प्रति वह अनुराग आप लोगों का बढ़ता जा रहा है, इसी का नाम प्रभावना है। एक विषयानुराग हुआ करता है और एक धर्मानुराग हुआ करता है। विषयानुराग के माध्यम से संसार का निर्माण हुआ है और निरंतर वह संसार में परिभ्रमण के लिए कारण माना जाता है, और एक धर्मानुराग ऐसा एक आत्मगत भाव है, उज्ज्वल परिणाम है जिसके माध्यम से मोह का विच्छेद होता है। आप समझ क्या रहे महाराज, हम तो धरती पर हैं, हम कहाँ हैं, हम भी तो धरती पर हैं, थोड़े बहुत उच्च स्थान मिला है लेकिन वह अभी बहुत
ऊपर बढ़ना है, कहां तक? लोग के अग्रभाग तक पहुंचना है, इसलिए आप लोगों के बीच में ही हैं हम। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप यदि आप धर्म की आराधना करते हैं तो वह समय दूर नहीं है। अत्यल्प काल में जहां पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है उनके गोद में हम बैठ सकते हैं। यह पुरुषार्थ रथ है, धर्म का रथ, उसके कितने पहिए हैं? चार हो, दो हो, इससे कोई मतलब नहीं। मुख्य रूप से हम दो पहिए मानते हैं, अथवा चार भी ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं, चतुर्विध संघ की अपेक्षा। और गुरुदेव ने चतुर्विध संघ का निर्माण किया है, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। आप लोग भी इसमें शामिल हो गए और अपन भी शामिल हो गए हैं। और धर्म के रथ को सब लोग मिल करके खींचेंगे, हम भी खींचते चले जाएंगे और पीछे से पुश करते चले जाएंगे आप लोग भी। तो धर्म रथ रुकने वाला नहीं। इसलिए संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं, दान तपो जिन पूजा विद्या तिशयेश्च जिन धर्म प्रभावनीय का। दान कितने प्रकार का होता है, आहार दान, औषध दान और अभय दान, ज्ञान दान अथवा उपकरण दान, अनेक प्रकार के ये दान के भेद हैं। और गुरुवर ने 50 साल में उन्होंने दान जो किया है वह दान बहुत महत्वपूर्ण, उसका हम शब्दों में व्याख्यान उसका नहीं कर सकते। उन्होंने रत्नत्रय का दान किया है, श्रमण संघ का निर्माण किया है, और भी जो श्रावक आदि बनना चाहते हैं, प्रतिमा आदि धारण करना चाहते हैं, छुल्लक छुलिका आरिका आदि बनना चाहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने प्रेरित करके, प्रेरित का अर्थ क्या महाराज, आप तो कभी कभी प्रेरणा का निषेध करते हैं, पुनः आपने प्रेरणा की बात कर दी, प्रेरणा उसी को बोलते हैं। आचार्य महाराज मंच पर न भी बोले, उनकी वीतराग छवि का जो दर्शन करेगा वह निश्चित रूप से प्रेरणा लेगा। वह प्रेरणा दे अथवा न दे, प्रेरित वह होगा, अंत प्रेरणा उसको प्राप्त होगी और निश्चित रूप से वह आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार कई मुमुक्षु जीव आए उनके चरणों में कि महाराज हमें भी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ाइएगा, हम मुनि बनना चाहते हैं, हम छुल्लक बनना चाहते हैं आदि आदि, हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना चाहते हैं, किंतु एक बार में उन्होंने हार नहीं भरा, किंतु लौटाया नहीं। उन्होंने ये कहा कुछ दिन के लिए अभी जहां है वहीं रहें और साधना करते करते थोड़े से लौकिक और ज्ञानार्जन आदि प्राप्त करके धीरे धीरे उम्र भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी, और मैं तो हूं, मैं कहां जा रहा हूं। इतना कहना पर्याप्त रहा कि आज संख्या आप देख रहे हैं, वह संख्या निरंतर वह बढ़ रही है, और छोर नहीं, क्योंकि जो गुलाई है वर्तुल आकार, उसका कौन सा ओर और छोर है मुझे बताओ? वह मंडल है, और वह मंडल प्रतिभा का मंडल है,
प्रतिभा मंडल है तो आभा मंडल है। आचार्य महाराज का जो आभा मंडल है उनका वह आभा मंडल का रेंज उसका ओर और छोर नहीं। उसी आभा मंडल में हम लोग उस प्रकाश में रह करके आत्म तत्व की चर्चा, आत्म तत्व का संवेदन आदि करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। ज्यादा समय ना हो इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ, विद्या तिष्यैश्च जिन धर्म प्रभाविनी, विद्या के माध्यम से और वो विद्या के सागर, उन्होंने जो प्रभावना की है मैं समझता हूँ ये अतिशयोक्ति भले ही हो, न भूतो न भविष्यति, क्योंकि प्रभावना तभी होती है स्वयं आत्मकल्याण में रत होकर के, स्वयं निरंतर अपने आत्म साधना में रत होकर के आगे बढ़ते गए, रत्नत्र की उपासना निरंतर करते रहे, उसी का एक प्रतिफल परिणाम है कि आज यंग एज, वृद्धावस्था नहीं, ये ध्यान रखो, यंग एज में और विषम वातावरण में चारों ओर भौतिकता दिखाई दे रही है, किंतु उस भौतिकता से उनको कोई प्रयोजन नहीं रहा और उससे मुख मोड़ करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके उसमें बहुत जो संख्या पहुंच गई है 500-600 की जितने भी हो, उसमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के उपरांत भी प्रतिमाओं को भी अंगीकार करके कई बहनों ने इस कार्य को करने के लिए वो कटिबद्ध हैं, बालिकाओं को संस्कार दे रही हैं, छोटी छोटी बालिकाएं जो अन्यत्र जाकर के वहां पर कोई भी संस्कार नहीं मिलते, बल्कि जो धार्मिक संस्कार है वो भी समाप्त हो सकती हैं, होती हैं, वहां से मुख मोड़ करके प्रतिभा स्थली में वो पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मात्र लौकिक शिक्षण उन्हें नहीं दिया जा रहा है। लौकिक शिक्षण तो एक औपचारिक है, किंतु धार्मिक जो संस्कार है वह संस्कार मजबूत होते चले जा रहे हैं और यही संस्कार आगे तक और विकास के लिए कारण होंगे। इसलिए उन्होंने जो इस प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके संकेत और उनके आदेश का अनुपालन करते हुए निरंतर इस कार्य को संपन्न करने के लिए रत हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। सारे के सारे कार्य सांसारिक होते हैं, होते रहेंगे और संसार का कभी अंत होने वाला नहीं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में आगे आकर के उत्साह के साथ विषयों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए धर्म की ओर आगे बढ़ते हुए धर्म की आराधना करने के लिए जो निरंतर तन्मयता के साथ लीन है, उसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर प्रतिपल उन्हें मिल रहा है और मिलता रहेगा। और बार बार उनका ये कहना है कि महाराज अब तो आचार्य महाराज प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष उनकी हम उपासना कर रहे हैं, इसलिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस प्रकार उनके भीतर भाव आते हैं, स्वाभाविक हैं। किंतु ये ध्यान रखें, जिस प्रकार आप लोगों के लिए भाव आ रहे हैं उसी प्रकार अपने भीतर भी भाव आते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी और साथ साथ हम लोगों के लिए भी उनका प्रतिपल मंगलमय आशीर्वाद रहेगा आगे भी। इसलिए ना हमें
कोई हतोचित होना चाहिए, ना आप लोगों को हतोत्साहित होना चाहिए। उत्साह के साथ सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे, उसका उत्थान, उसकी उन्नति होगी और आत्मोन्नति के उद्देश्य को लेकर के इस कार्य को हाथ में लिया है और उन्होंने सौंपा है। इसलिए उनके हाथ के द्वारा, उनके आशीर्वाद के माध्यम से जो भी कार्य संपन्न होंगे उसमें कहीं भी कोई बाधा आ ही नहीं सकती, ऐसा पूर्णतः विश्वास है। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि धर्म प्रभावना और आत्मा की प्रभावना जो हुई होगी वह निश्चित रूप से सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना की ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भी इससे भी अच्छी सामग्री, मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होगी और उसके माध्यम से ही हम शुद्ध पद का अनुभव और उसको उपलब्ध करने का एक प्रकार से वह अवसर प्राप्त करेंगे। और जल्दी से जल्दी अवसर आप लोगों को भी प्राप्त हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सुख शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद मानस्य ममास्। परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार भरूच गुजरात।